गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म चैनल से राकेश आंडा बोल रहा हूँ। तो आज का दिन फिर हम पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की बात ही करेंगे, क्योंकि मेरा सारा फोकस उसी पे है। अगर एक एसोसिएशन भी ठीक होती है तो बाकी एसोसिएशन को अपने आप समझ आती है। इसलिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में तीन लोगों ने, जो दो तो बोने थे जो पटियाला से थे, उन्होंने जो 40 साल उन्होंने किया और 35 साल जलंधर वालों ने किया, और अब जो नया सेक्रेटरी लेके आए वो तो इनका भी गुरु है। वो कह रहा मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, और मिस्टर 48% है, लर्नर लॉयर है, चंडीगढ़ से है, पंजाब से उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसकी गेम है। देखिए क्या गेम खेल रहे हैं सब लोग। और प्रेसिडेंट जो बड़े समझदार हैं, सब कुछ हैं, उनको ये कैसे पटाते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं समझ आती कि वो भी इनके साथ कैसे मिल जाते हैं। जितने भी इतने सालों से कोच, अब तो नई बात है, इन्होंने मिलके जो अकुल पांडव पटियाले से, जो पटियाले के सेक्रेटरी का लड़का है, उसकी परफॉर्मेंस आप पिछले साल की देखिए, कमाल की परफॉर्मेंस है। उसके बेसिस पे उसको इन्होंने फिर दोबारा विजय हजारे में ले लिया। सब मिले हुए हैं। वो जलंधर वाला जो जॉइंट सेक्रेटरी है, वो जलंधर के दो लोगों को पुश करता रहता है 30 साल से उन्हीं को पुश कर रहा है कि उससे बेटर ना कोई प्लेयर हुए, ना कोई कोच हुए, ना कुछ हुआ। बाकी जलंधर के जितने क्रिकेटर हैं जो 30-40 हैं, वो एक तरफ हैं और ओपनली मार्केट में है, पूरी तरह मार्केट में उसके अगेंस्ट है। जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसके पूरी तरह अगेंस्ट है, और जो पूरी तरह मनमानी करने की कोशिश करता है, जिसको क्रिकेट की ABC नहीं आती, बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ता है। दूसरा जो अभी हमारे पुनीत बाली जी हैं, मिस्टर 48%, इन्होंने एक कॉकस बनाया हुआ है। इन्होंने इस साल कोरोना में जो काम किया वो तो काबिले तारीफ है। सिर्फ मुल्लांपुर स्टेडियम में अपने लड़के को प्रैक्टिस कराने के लिए एक पूरा का पूरा गैंग बनाया हुआ था। लड़के को अपने को प्रैक्टिस करानी थी, जिनों कोचिज ने, जिन फिजिकल ट्रेनर्स ने, जिन्होंने इनके साथ रहे, उन्हीं को पंजाब की टीम में मैनेजर कोचिज लगा के कोशिश कर रहे हैं, और करते हैं पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, पूरी कोशिश जलंधर वाले कर रहे हैं, और पूरी कोशिश बोने लोग कर रहे हैं। तो गेम तो वहीं की वहीं है, और जो प्रेसिडेंट है वो इनके साथ मिल जाते हैं और वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। क्या बात है, क्या इश्यूज हैं, कैसे एक दूसरे को पटा लेते हैं कि बाकी तो पंजाब में क्रिकेट ही नहीं है। ये तीनों ग्रुप जो हैं, पटियाला ग्रुप, जलंधर ग्रुप, अब ये नया सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब, ये आपस में मिलके पूरे जोर शोर से ये क्रिकेट की बातें, तो किसी को क्रिकेट की बातों को करता ही नहीं, सिर्फ अपने लड़के कैसे एडजस्ट करने हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी टीम है, भूपिंदर सिंह, मेरी और हमारे साथ जितने और लड़के हैं, हमने पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एक लुधियाना में टूर्नामेंट कराया और एक 15 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं। ये प्राइवेट टूर्नामेंट्स हैं, और अंडर 19 का टूर्नामेंट अमृतसर में आज रेस्ट डे है, कल दो सेमीफाइनल और परसों फाइनल है, जिसमें हम सारे लोग रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर पहुँच रहे हैं वहाँ। कल से हम सारे लोग वहीं हैं, वहाँ पे रमन बख्शी और शबाज ने हमें इनवाइट भी किए हुए हैं, जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर और ADC साहब ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं कि आप सारे लोग आओ, आपको ऑनर करेंगे। पंजाब के रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स को बुलाया हुआ उन्होंने। तो एक तरफ ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है जो सोई हुई है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, कोई टूर्नामेंट्स होते हैं, ये कैंप लगा दिया इन्होंने कि पटियाला मोहाली में कैंप लगा दी, वो तो एक आम काम है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला उसी में कैंप लगा दिया, अपने आप लड़के खेलते रहे। जो बाकी दुनिया है पंजाब में, उनको तो क्रिकेट खिलानी नहीं, आपने ना आपको आती है, इट्स प्रूव्ड नाउ, वी हैव प्रूव्ड कि आपको क्रिकेट भी नहीं आती, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आती, आपको मैनिपुलेशन आती है, आपको पॉलिटिक्स आती है। ये सारा का सारा जो ग्रुप है, जो एपेक्स में मेंबर हैं, जो सारे फ्रॉड के तरीके से इकट्ठे किए हुए हैं, कोई कहीं से, कोई कपूरथले से, कोई जलंधर, कोई लुधियाना से, जिनको आपके पकड़ के लाए हुए, हम सबसे पूछेंगे
अब हमने पूरा एक सिस्टम बना लिया जी। आप एपेक्स की मीटिंग अनाउंस करो, आप एजीएम अनाउंस तो करो, आप अवॉइड क्यों कर रहे हो? आप अनाउंस करो, आप अनाउंस करो, फिर आपको बताते हैं। प्रेस भी आपके पीछे पूछेगी, हम भी आपसे पूछेंगे, और विद डॉक्यूमेंट्स। ऐसे नहीं, हम विद डॉक्यूमेंट्स आपके साथ बात करेंगे, पटियाला की बात भी करेंगे, मोहाली की बात भी करेंगे, इन बॉडीज की बात भी करेंगे। और इनको क्यों नहीं लाइफ मेंबर को सस्पेंड किया अभी तक, बोने लोगों को जिन्होंने सारे पेपर आपके सामने, क्यों नहीं इनको सस्पेंड किया? क्यों ऐसे इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया अभी तक? ये सारी बातें आप प्रेस भी पूछेगी, हम भी पूछेंगे, और पूरा पूरी दुनिया भी देखेगी जब हम वहाँ खड़े होकर आपके पेपर उड़ाएंगे। सारे आरटीआई के, पटियाला के, मोहाली के, मुल्लांपुर के, जलंधर के, और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम दिखाएंगे आपको। प्रेसिडेंट साहब से पूछेंगे कि आप भी तो अंदर बैठे हो, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? ये सारी बातें हम आपसे अब पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल से मैं अमृतसर में, 2 दिन का टूर्नामेंट है वहाँ, मैं देख, 2 दिन जो रह गए हैं, सेमीफाइनल फाइनल, जब उसमें अभी तक 12 मैच हो गए हैं, 3 मैच रह गए, मैं कल जा रहा हूँ वहाँ, तो वहाँ से देखता हूँ आपको, फिर वहाँ से वीडियो डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।